तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं दिखाने वाला हूं द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज वन, और यहीं पे इंटरचेंज इसका कनेक्टिविटी मिलती है UR2 की और द्वारका एक्सप्रेसवे की। गई तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, इस जगह पर आप लोगों को लॉन्चर ही लॉन्चर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको इस पे यहाँ पर रैंप भी बनाए जा रहे हैं। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं इस UR2 पर चढ़ने के लिए और उतरने के लिए, यानी कि ये देखिए ये रैंप का ही कंस्ट्रक्शन रखा हुआ है। ये रैंप बनाए जा रहे हैं दोनों साइड में, और जिसको डायरेक्ट जाना है सोनीपत पानी के लिए वो इस पे ऊपर चढ़ जाएंगे, और उतरने जब हम उधर से आएंगे सोनीपत पानीपत की तरफ से तो ये उतरने के लिए है, और यहीं से जो रैंप बनाए जा रहे हैं वो चढ़ने के लिए हैं। इधर से जब हम महिपालपुर की तरफ से आएंगे तो ये रैंप के द्वारा इस पर एलिवेटेड पे चढ़ जाएंगे UR2 पे, जो निकलेंगे जो आप नरेला और आपका इधर सोनीपत पानीपत के लिए। तो हम चलते हुए चल रहे हैं, देख सकते हैं ये बायोडक्ट जोड़ा जा रहा है, किस तरीके से जोड़ा जाता है आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। गाइस पर डे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल पर आ जाता है, क्योंकि आगे टनल बनाई गई है तो टनल यहीं पर आकर निकलेगी, फिर इस पर एलिवेटेड पे चढ़ जाएगी। गई तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और ये आगे अंडरपास आने वाला है जो कि है रेलवे का। ये रेलवे का अंडरपास है, ये देख सकते हैं कापसखेड़ा और द्वारका के बीच में है ये। तो हम इसको क्रॉस करने के बाद में आप लोगों को टनल देखने के लिए मिलेगी, जो कि इसके ऊपर भी वाहन चलेंगे और नीचे भी इसके वाहन चलेंगे टनल के। तो टनल को आप लोगों को अभी आगे दिखाएंगे चल के, तो बने रहो वीडियो के साथ में एंड तक, आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो के अंदर में। क्या पैकेज वन पे कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है वो आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको बता दूँ कि इसका यहाँ पर जो अंडरग्राउंड टनल है वो बनाई गई है। ये देख सकते हैं ये जो सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं, इसके राइट हैंड पे ही टनल का काम चल रहा है, टनल बनाई गई है। पहले टनल बना देते हैं, इसका फ्लोरिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद में इस पर ऊपर नीचे से मिट्टी निकाली जाती है। तो देख सकते हैं हम अभी टनल के ऊपर ही चल रहे हैं, और काफ़ी लंबी चौड़ी टनल है, एक साइड से जाने के लिए एक साइड से आने के लिए। और टनल इसलिए बनाई गई है क्योंकि लेफ्ट हैंड पर एयरपोर्ट एरिया है गाइस, एयरपोर्ट की दीवार आ जाती है, तो अगर एलिवेटेड पार्ट बनाया जाता तो पब्लिक रुक रुक के देखती, और फिर हवाई जहाज़ चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती। तो इस वजह से यहाँ पर ये टनल बनाई गई है गाइस। तो आपको बता दूँ कि जो द्वारका की तरफ से आएंगे वो तो ऊपर से जाएंगे, जैसे ये गाड़ियाँ चल रही हैं ऊपर की साइड में, वो ऊपर से हम दिल्ली के लिए जा सकते हैं और गुड़गांव के लिए भी जा सकते हैं इधर से। और अगर जैसे हम दिल्ली की तरफ से आएंगे महिपालपुर से जब आएंगे तो हम टनल के नीचे आएंगे और ऊपर UR2 पे या द्वारका एक्सप्रेसवे पे एलिवेटेड पार्ट पे हम ऊपर चढ़ जाएंगे गाइस। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि एक रैंप बनाया जा रहा है महिपालपुर की साइड से, दूसरा रैंप बनाया जा रहा है गुड़गांव की साइड से गाइस। तो काफ़ी लंबी चौड़ी ये टनल है, और ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ मैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, और आप लोगों को टनल दिखाऊंगा मैं आगे कि किस तरीके से बनाई गई है और उसमें से मिट्टी निकाली जा रही है। क्योंकि पहले इसमें साइडों में पाइलिंग की जाती है, साइडों में पाइलिंग करने के बाद में दोनों साइडों में फिर इस पर फ्लोरिंग कर दिया जाता है, फ्लोरिंग करने के बाद में फिर इस पर मिट्टी निकाली जाती है अंदर से। तस्वीर आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो गाइस। क्योंकि आगे आने वाला है कापसखेड़ा की रेड लाइट, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारा वर्क देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इन्जॉय करो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।
right, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. टनल दोस्तों देख सकते हो, ये टनल बनाई गई है। देखो ये टनल पर अभी ये जेसीबी काम कर रहा है और देख सकते हो ये पाइलिंग की गई है, ये सरियां चमक रही हैं आपको। और दूसरी साइड में भी इसी तरीके से ये बॉल बनाए जाते हैं। बॉल बनाए जाने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग कर दिया जाता है। देख सकते हो ये मिट्टी निकालने का काम चल रहा है टनल के अंदर से। गाइस तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और जो आपको बता दूँ कि जहाँ से स्टार्ट होता है वो यही जगह है। देख सकते हो ये शिव मूर्ति महिपालपुर है, ये देख सकते हो, ये इसके अंदर हूँ मैं। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए। तो देख सकते हो ये एरोप्लेन आ रहा है, उतर रहा है यहाँ पर इसमें, और ये है NH-8। और NH-8 के ही ये बगल से ही ये यहाँ पर वर्क स्टार्ट हो चुका है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी। हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं KP संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं ये शिव मूर्ति महिपालपुर से स्टार्ट होता है ये द्वारका एक्सप्रेस वे, जो बनाया जा रहा है अभी तेज़ी के साथ में। और यहाँ पर देख सकते हैं पाइलिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है जयकुमार। ये 9 किलोमीटर का पार्ट थी ये जयकुमार के पास है, बाकी 20 किलोमीटर का पार्ट L&T कर रही है। तो वो भी आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी और बताऊँगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस KP संत के चैनल पर देखते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस तो देख सकते हैं ये है पाइलिंग मशीन जो नीचे ज़मीन के अंदर पाइल करती है, वो कैसी होती है वो आप अपनी आँखों से देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये पिलर बनाए जा रहे हैं, ऐसे घूम जाएगा ये इस तरीके से, ऐसा देखो वो वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, वो वहीं जाकर ऐसा घूमेगा ये। क्योंकि आपको बता दूं कि जब दिल्ली के साइड से वाहन आएंगे, इस साइड से ये वाहन आएंगे इस तरीके से, ऐसे आएंगे और ये ऐसे घूम जाएंगे इस तरीके से, ऐसे निकलेंगे जाकर और ये निकलेंगे जाकर खिड़की दौला, मतलब कि गुड़गांव को पूरा क्रॉस कर देंगे, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा जाम रहता है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपको बता दूं कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, और जयकुमार द्वारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। क्योंकि ये रोड बना दी और ये बंद कर दिया जाएगा, तो इसी तरीके से यहाँ पर वर्क चलता हुआ ये
देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेजी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस। काफ़ी लंबा चौड़ा ये बनाया जा रहा है, तो चलो चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ से निकलते हुए हम चल रहे हैं आगे, तो देख सकते हैं पूरे पे ही जय कुमार ने ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिया है और इन पर पाइलिंग का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। और आपको बता दूं कि देखो जो राइट हैंड पे मशीनें खड़ी हुई हैं वो वहीं जाकर निकलेगा, इस पर पाइल मशीन द्वारा ऐसे घूमेगा, कर्व ले लेगा और इसके मतलब कि नीचे से भी बांध जाएंगे और ऊपर से भी जाएंगे एलिवेटेड से भी। तो देख सकते हो ये पाइलिंग मशीन है, पाइल कर रही है यहाँ पे। और देख सकते हो वो सामने जो लग रही है यहाँ पर, देखो ये पिलर चमक रहा है ऐसे, ये घूमेगा इधर की साइड में और ये आ जाएगा सिंह मूर्ति पे, इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा, कर्व ले लेगा। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गायक, मिलते हैं।